दोस्तों जवान मूवी खत्म होने के बाद ये सीन देख रहे हैं, ये शाम का दृश्य कुछ इस प्रकार, ये भीड़ देख रहे हैं। अभी फिलहाल देखेंगे तो उस साइड वो लाइन लगा हुआ है फिर से जवान मूवी देखने के लिए। और आज देखा है तो संडे का दिन है, जिसकी वजह से भीड़ देख रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के आईपी मॉल, या मेरे पीछे देख रहे होंगे, और इस समय दोपहर के बज रहे हैं 3 पर, यानी कि रविवार। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिर से मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईपी मॉल के नज़ारे। हालांकि देखा है तो इस समय सिनेमा हॉल में लगा हुआ है शाहरुख खान का मूवी जो है कि है जवान। ठीक है, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अंदर, और अंदर से दृश्य दिखाते हैं आईपी मॉल का। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आईपी मॉल के अंदर, एंट्री कर चुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इस समय आज देखा है तो रविवार का दिन है, तो जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे जो कि आईपी मॉल में जो है कुछ भीड़ देख रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है। और जो कि लगा हुआ है मूवी शाहरुख खान का, उसकी वजह से भी देखेंगे तो भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है आईपी मॉल में। ये देख रहे हैं इस साइड है मैकडॉनल्ड्स, और देखा है तो पिछले कुछ वर्षों से जो है आईपी मॉल में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले इस साइड सामने यानी कि एस्केलेटर देख रहे हैं, इसके बगल में भी कई सारे शॉप थे जो कि हट चुका है। ये देख रहे हैं इस साइड, और वैसे सिनेमा हॉल में जाने के दो रास्ते हैं, एक आप दो नहीं तीन रास्ते, एक एक्सीलेटर के माध्यम से भी जा सकते हैं और सीढ़ियों के माध्यम से भी जा सकते हैं। सीढ़ी जो है आपका है उस साइड सामने, ठीक है, और लिफ्ट के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक्सीलेटर से हम लोग चलते हैं ऊपर। हालांकि देखा है तो आईपी मॉल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है वो है एक्सीलेटर ही। दृश्य कुछ इस प्रकार ये देख रहे हैं आईपी मॉल में। देखा है तो अनेकों साल भर 6 महीने में दुकान खुलते रहते हैं और दुकान बदलाता रहता है। ये देखिए जोशी का शोरूम है कपड़े का, और पहले जो देखिए बॉक्स ऑफिस यानी कि टिकट काउंटर पहले नीचे हुआ करता था। जैसे ही अगर आप एंट्री जब करेंगे तो उसी साइड पहले बॉक्स ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब उसे पूरा यानी कि पूरी तरह से एक व्यवस्थित जगह बना दिया गया है कि यानी कि ऊपर। तो मैं ऊपर भी दिखाऊंगा आपको सीन, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं, अब चलिए चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। ये देखिए ये है सेकंड फ्लोर, एस्केलेटर के माध्यम से वो लोग चलते हैं ऊपर, और जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो वहाँ पर है बॉक्स ऑफिस यानी कि टिकट काउंटर, यहाँ से जो है आप टिकट ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे जो कि भीड़ भी इस समय है काफ़ी। ठीक है, यानी कि उस साइड जो है आप टिकट लेंगे, और इस साइड से देखिए एंट्री है सामने, आप देख पा रहे होंगे जो कि सामने जो है देख रहे हैं लाइन लगा हुआ। हालांकि देखा है तो गदर 2 की तरह लाइन जो कि जवान फिल्म में जो है वो नहीं लगा हुआ है। ये देख रहे हैं मात्र आपको 8-10 लोग ही नज़र आ रहे होंगे। जब मैं गदर 2 देखने आया था तो उस समय लाइन जो था काफ़ी लंबा चौड़ा था, यानी कि आप देख रहे हैं जिस साइड मेरा उंगली जा रहा है पूरा वहाँ तक जो है पूरा लाइन जो है उस समय लगा हुआ था। ये देख रहे हैं एंट्री मिल चुका है अब, ये देख रहे यहाँ पर आपका टिकट जांच होगा, उसके बाद एंट्री मिलेगा जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो। तो दोस्तों टिकट चेकिंग होने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बॉक्स ऑफिस के पास, सॉरी यानी कि सिनेमा हॉल के पास, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने है ऑडी 1 और उस साइड है ऑडी 2 और इस साइड है 3, यानी कि जो सिनेमा हॉल जो है वो है आईपी मॉल में 3। और
यहाँ पर देखिए जो जो फिल्में आ चुका है, जो जो आने वाला है, यहाँ पर देख रहे हैं ये पोस्टर लगा हुआ है। और इस देखिए सामने मोमोज का भी दुकान, और इंटरवल होने के बाद आप यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और भी अन्य चीज़ें जो है वो आप ले सकते हैं। और वही बात क्या है, जो जो आपका टॉयलेट जो है, जेंट्स टॉयलेट कह रहा हूँ, ये देखिए सामने है उस साइड, यहाँ से आप देख सकते हैं दृश्य आईपी मॉल का। यहाँ पर देखिए एक लंबा चौड़ा बोर्ड लगा हुआ है, हॉलीवुड मूवी है। मैं देख रहा हूँ टॉयलेट के बारे में जो बात कर रहा था वो देखिए उस साइड है, सामने इस साइड है ऑडिट 3। चलिए दोस्तों हैं ऑडिट 1 में, इस समय देखिए अंधेरा हो गया है। तो दोस्तों जवान मूवी खत्म होने के बाद ये सीन देख रहे हैं, ये शाम का दृश्य कुछ इस प्रकार, ये भीड़ देख रहे हैं। अभी फिलहाल देखेंगे तो उस साइड वो लाइन लगा हुआ है फिर से जवान मूवी देखने के लिए। और आज देखा है तो संडे का दिन है, जिसकी वजह से भीड़ देख रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल देख रहे हैं ये है सामने एक सेल्फी पॉइंट है, और इस समय शाम का समय जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि भीड़ देख रहे हैं। फिलहाल मैं नीचे आ चुका हूँ, ये देखिए भीड़ है कुछ इस प्रकार जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह देखिए चॉकलेट का दुकान है, और ये आने जाने वालों का भीड़। तो चलिए निकलते हैं हम लोग बाहर। ये है बाहर का दृश्य कुछ इस प्रकार जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में मैंने बताया था, जो पहले बॉक्स ऑफिस यानी कि टिकट काउंटर जो था वो था आगे उस साइड, लेकिन फिलहाल उसे हटाकर जैसा कि मैंने दिखाया है वहाँ पर कर लिया गया है। और इस समय देख रहे हैं ये है अपने बनारस शहर का शाम का दृश्य कुछ इस प्रकार। और यह है पानी टंकी जो कि शास्त्री पार्क में स्थित है। और आईपी मॉल से ही कुछ ही मीटर की दूरी पर है सिगरा थाना। और वैसे बात किया जाए, यह जो सीधे रास्ता देख रहे हैं ये सीधे चला जाएगा मलदैया के लिए, मलदैया होते हुए आप चले जाएंगे वाराणसी जंक्शन के लिए। ये देखिए आईपी मॉल के ठीक सामने यहाँ पर देख रहे हैं जो कि एक, ये देखिए गिफ्ट बांटा जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ठीक आईपी मॉल के ठीक सामने ये देख रहे हैं मैक लुब्रिकेंट की तरफ से, ये देख रहे हैं सामने से एंट्री है, यहाँ पर थोड़ा सा चेकिंग होगा सुरक्षा को दृष्टि देखते हुए। और इस साइड देखिए सभी लोग टोपी पहने हुए मैक लुब्रिकेंट का। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि बच्चों के लिए यहाँ पर ये देख रहे हैं, चलिए मैं आपको और भी नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं कुछ ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ने के बाद मिल्क शेक का एक दुकान है, और बच्चों के लिए एक झूला भी है छोटा सा। इस साइड देख रहे हैं इस साइड है रेस्टोरेंट डोमिनोज पिज्जा। और आगे बढ़ने के बाद कोने में देख रहे हैं मिकी माउस भी है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और भी दिखाना चाहूँगा कि पहले देखिए जो कोई भी मूवी जब लगता था तो यहाँ पर देखिए पोस्टर लगाया जाता था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इसमें विज्ञापन
जैसा कि आप देख रहे होंगे एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और देख पा रहे होंगे जो कि इसका बदलाव भी काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर बन गए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महा